आदाब नासरी, न्यूज़ टाइम हैदराबाद में आप सभी का इस्तकबाल है। साउथ जोन डीसीपी पी साई चैतन्या आईपीएस ने शालीबंडा एक्स रोड पर मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और हैदराबाद के लोगों से, खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी से दरख्वास्त की है कि पुलिस पर भरोसा करें, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे बीजेपी एमएलए राजा सिंह के खिलाफ। पेश है न्यूज़ टाइम हैदराबाद से ये खसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा व अहम तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबको आदाब। 2 दिन पहले एक हमारे कम्युनिटी को टारगेट करते हुए एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए एक वीडियो निकाला, उसकी वजह से बहुत लोगों का दिल को तकलीफ हुआ, उनके ऊपर केस रजिस्टर किया और उनके ऊपर कार्रवाई चल रहा है। और या ये जो हैदराबाद का यूथ है, जो जनता है, जो पीस लविंग है, उसको बर्बाद करने के लिए कॉन्स्पिरेसी थियरी जैसा लग रहा है। हमारा पुलिस साइड से एक गुजारिश है, अपील है सभी हमारा जनता को, इस कॉन्स्पिरेसी पे आप मत पड़िए। ये जो भी रॉन्ग सेंटेंसेस बोला है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगा, लीगली कार्रवाई जो होना है वो होगा। और इसके लिए जो भी जितने भी लीगल एड और लीगल फैसिलिटी, जो लीगल फैकल्टीज है, जो सीनियर एडवोकेट्स है, उनको भी एंगेज किया जा रहा है ताकि बेस्ट पॉसिबल लीगल एक्शन उनके ऊपर जल्द से जल्द हो जाए। और हमारे साइड से एक गुजारिश है, ये यहाँ पे बहुत सारी आफा चल रहा है रैलीस या प्रोटेस्ट के बारे में, उसका कोई परमिशन नहीं है, अननेसेसरी ये एक्चुअली सभी लोग ध्यान से देखना है, ध्यान से ये ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है, ये कॉन्स्पिरेसी है। आप लोग को इस वैसे वाला माहौल पे बना के एक केस वेस बनाने के लिए लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, उसके लिए हमारा साइड से, साउथ जोन पुलिस का साइड से, हैदराबाद सिटी पुलिस का साइड से सबको एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस कॉन्स्पिरेसी पे आप मत फंसे। और जो हमारा लीगल बुलेटिन रिलीज़ किया जाएगा उसी को आप बिलीव कर लीजिए, अननेसेसरी जो सोशल मीडिया पे कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको बिलीव मत कर कीजिए। और कोई भी रैली या प्रोटेस्ट का कोई भी परमिशन नहीं है, अननेसेसरी उसमें आके आप ये उन लोग का जो चाल है उसमें मत फंसिए। और हमारा साथ अभी तक दिया और आगे देने के लिए आपके ऊपर भरोसा है। थैंक यू, जय हिंद।